24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नई निहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चायबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चायबासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो, नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो, हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने मुख्यमंत्री के बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। आताओ भाइयों, बहनों, अवैध घुसपैठिए, जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं, और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं हो सकती, और आपने तो आदिवासी होकर एक काम किया है। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इनको कहने आया हूं कि आदिवासी माता बहनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में जनता जाग चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं तो जब यहां पूछा कितनी कुर्सियां लगाई हैं, उन्होंने कहा 32,000। मैंने बोला चायबासा में भर जाएगी क्या? आज मैं कोल्हान बेल्ट के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आपने मंडप को छोटा कर दिया, सारी की सारी कुर्सियां भरकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जब इनकी सरकारें चलती थी, कांग्रेस की